Guys, today our topic is importance of PPEs, personal protective equipment, and types of personal protective equipment and usage of personal protective equipment. दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है टूलबॉक्स टॉक का कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की क्या अहमियत है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कितने किस्म के होते हैं और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल क्या है। सबसे पहले पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जब आप सुबह वर्क साइट पर आते हैं तो सबसे पहले आपको अपने PPEs पहनना होते हैं, जैसा कि सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी गूगल्स, सेफ्टी ग्लव्स, ये सब पहनना होते हैं। ये ज़रूरी हैं, ये काम करने से पहले इनको पहनना ज़रूरी है और ये पहनकर ही काम करना है आपको, और काम के हिसाब से आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने हैं। कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो कि ज़रूरी होते हैं, जो कि हर जॉब में, हर वर्क साइट पे, हर काम में ज़रूरी होते हैं पहनना उनको, जैसे कि सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज़, सेफ्टी गूगल्स, ये आपको हर जगह ये मैंडेटरी हैं, यानी ज़रूरी हैं ये पहनना। इसके अलावा स्पेशल किस्म के PPEs आते हैं जो कि काम के हिसाब से आपको पहनना होते हैं, जैसा कि आप अगर ग्राइंडिंग, कटिंग, चिपिंग का काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फेस शील्ड चाहिए, सेफ्टी गूगल्स चाहिए, उसके साथ आपको फेस शील्ड चाहिए, तो इस तरह के काम के लिए। और इसके अलावा आपको ईयर मफ्स चाहिए, क्योंकि जब आप ग्राइंडिंग चिपिंग करते हैं तो उसमें शोर बहुत होता है, तो उसकी वजह से आपको ईयर मफ्स चाहिए। और अगर आप किसी जनरेटर के पास काम कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा शोर है, जहाँ वहाँ भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप ईयर मफ्स इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप बिजली का काम कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्पेशल किस्म के ग्लव्स पहनने होंगे, इलेक्ट्रिकल ग्लव्स पहनने होंगे, और उसी के हिसाब से आपको, और बाज़ औक़ात आपको इलेक्ट्रिकल यूनिफॉर्म होता है जो फ्लैशबैक का कहलाता है, फायर रेजिस्टेंस कहलाता है, वो पहनना होते हैं। और इसी तरह से आपको मुख्तलिफ काम के लिए मुख्तलिफ किस्म के PPEs, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना होते हैं काम के हिसाब से। तो और आपको हमेशा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को इस्तेमाल करना है, और उसको इस्तेमाल सही तरीके से करना है। जहाँ उसका इस्तेमाल है, जिस काम के लिए, वहीं इस्तेमाल करना है उसको, जिस जॉब के लिए उस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को बनाया गया है, और हमेशा उसको मेंटेन करके रखें, उसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की हिफाजत करें, उसको ख़राब होने से बचाएँ, उसको साफ़ सुथरा रखें और उसको मेंटेन करके रखें। और इसके अलावा आपको पता है कि हर काम में ज़रूरी है कि आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनें, क्योंकि यही आपको बहुत सारे चीज़ों से बचाता है, ज़ख्मी होने से बचाता है। बाज़ ऐसे हादसात होते हैं, बाज़ इस तरह के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिसमें आप बच सकते हैं इससे। जैसा कि अगर कोई चीज़ ऊपर से गिर जाए आपके ऊपर, तो अगर आपने सेफ्टी हेलमेट पहना हुआ है तो आप उससे बच सकते हैं, ज़ख्मी होने से बच सकते हैं, आपके सर में ज़ख्म आने से बच सकते हैं आप। इसी तरह से अगर आप पैर पे कोई चीज़ गिर जाए, अगर आप सेफ्टी शूज़ पहने हुए हैं, तो आप पैर आपके जो है ना वो महफूज रहेंगे, ज़ख्मी होने से महफूज रहेंगे। इसी तरह से बहुत सी जगहों पे आप ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, हाइट पे, तो हाइट पे काम करने के लिए आपको पता है कि कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी हार्नेस भी कहते हैं उसको, वो पहन के आप काम करते हैं। लेकिन ये कहाँ पे ज़रूरी होता है, जहाँ पर 6 फुट या 6 फुट से ज़्यादा की हाइट पे, बुलंदी पे, ऊंचाई पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये सेफ्टी बेल्ट पहनना ज़रूरी है। इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के PPEs होते हैं जो कि आपको पहनने होते हैं काम के हिसाब से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। Goodbye.